ये भी एक बिल्डिंग है आपका घर भी बिल्डिंग है आपका ऑफिस भी बिल्डिंग है हम ये वाइब्रेशन कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ उसको प्रायोरिटी बना सुबह उठने का कॉन्सेप्ट छोड़ दो सिर्फ रात को सोने का कॉन्सेप्ट ठीक करो सुबह उठना अपने आप होगा। यू डू नॉट नीड टू टू वर्क ऑन रिलेशनशिप दैट इज रॉन्ग कि दो लोगों को कुछ चेंज करना पड़ता है रिश्तों को ठीक करने के लिए नहीं दो में से एक को सिर्फ अपनी सोच को बदलना और रिश्ते बदल जाएंगे कुछ दिन पहले ऐसे ही एक प्रोग्राम था वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का था और उनकी ओनर ऑफ दैट बिजनेस हाउस वाज राइट इन द फ्रंट रो एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी एंड ऐसे ही बोला इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो उसमें बोला कि आठ बजे डिसकनेक्ट करना चाहिए And he said, "Okay, ठीक है, हम कर देंगे." And everybody, all his people said, "No, no, sir, नहीं हो सकता वो वो country की market, ये country की market, वो सब कुछ 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 कुछ." Leadership quality क्या थी? He comes on stage and he says, "करना है, ये decide हो चुका है. कैसे करेंगे? वो बाद में discuss करेंगे." Finished. This is what is needed. It was very, and I'm, This is word to word what he said. सेट करना है ये डिसाइड हो गया कैसे करना है करेंगे बात करेंगे उसके ऊपर के कैसे करना है करना तो है ही ऑर्गेनाइजेशन दे कैन नॉट एक्सेस इट इवन इफ दे वॉन्ट टू इवन इफ दे वॉन्ट टू दे कैन नॉट एक्सेस दैट दिस इज लीडरशिप क्वालिटी फिर उनको किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो फिर आपका बिजनेस अफेक्ट तो नहीं हो रहा कहते मैंने तो देखा ही नहीं है मुझे इंपॉर्टेंट ये है लोग ठीक है और मुझे ये पता है जब लोग ठीक हों तो बिजनेस गलत हो नहीं सकता इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल दिस इज इट पर जब हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं हम वो पहले वो होंगे जो रेड सिग्नल पर रुकेंगे लोग आकर बोलेंगे नहीं 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 काम बिगड़ जाएगा लोग बिगड़ जाएंगे ये होगा स्टैंड फॉर द राइट एज अ टीम लीडर एज एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर ये आपका कर्मा बनता है क्या आप अपने लोगों का ध्यान रखें लोगों को समय दें अपने परिवार के साथ बैठने का लोगों को समय दें अपने लिए कुछ करने का लोगों को समय दें, ठीक से जल्दी सोने का वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वर्क इज नॉट लाइफ इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड अगर स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सोचो हैप्पी एंड हेल्थी लोग कैसा अच्छा काम करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे जब तक आपकी टीम या आपके ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, आप खुद अपने ले करो डिस्कनेक्ट करो सुबह उठ के करो यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनी टाइम अगर आप ठीक से सोएंगे जल्दी उठेंगे सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे ऑफिस जाएंगे यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन दैट ऑफिस आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे आपकी डिसीशन मेकिंग बढ़ेगी आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे बिकॉज आपकी टॉलरेंस पावर हाई हो चुकी है लेकिन अगर आप रात तक काम करेंगे फिर आपका स्पाउस आपके साथ झगड़ा करेगा आपका बच्चा नाराज़ होगा आप थके हुए होंगे आप इरिटेबल होकर सोएंगे फिर सुबह झगड़े के साथ ही घर से निकलेंगे और फिर हम ऑफिस जाएंगे फिर थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलेगा तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा नेचुरल है हम वैसे ही थके हुए हैं कि नहीं थके हुए चेहरे पर फ्रेशनेस दिखाई देनी चाहिए थकावट नहीं यहाँ इस कैंपस में और हर सेंटर पर और सिर्फ सेंटर पर नहीं सब लोग जब घर में रहते हैं वो भी हर एक थ्री फोर्टी फाइव के बीच में उठ जाता है एवरी सिंगल डे थ्री सिक्सटी फाइव डेज ऑफ दिन ओ क्लॉक तक सो जाते हैं उतना ही काम करते हैं शायद उससे ज्यादा करते हैं जो आप कर रहे हो लेकिन आपने सबके चेहरे देखे ना यहाँ कैसे हैं देखा ना वो खाली नहीं बैठे हुए उनके लिए सैटरडे संडे दिवाली कुछ नहीं है 365 सिक्सटी फाइव डेज ऑफ द ईयर लिविंग विथ टू हंड्रेड पीपल हु आर नॉट फैमिली हमें चार लोगों के साथ एडजस्ट करना है ये दो सौ के साथ रहते हैं लेकिन चेहरे देखे कैसे हैं और वाइब्रेशन देखा कैसा है ये भी एक बिल्डिंग है आपका घर भी बिल्डिंग है आपका ऑफिस भी बिल्डिंग है हम ये वाइब्रेशन कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ उसको प्रायोरिटी बनाना प्रायोरिटी बनाना तो करें अपनी टीम का ध्यान रखना शुरू करें अपने लोगों का ध्यान रखना शुरू करें विल स्टार्ट विथ पहले खुद एक्सपेरिमेंट करें अब वर्क से डिस्कनेक्ट करके ये ना कुछ और चीज से कनेक्ट करके बैठ जाए इट ओनली मीन्स डोंट कंज्यूम एनी स्टिम्युलेटिंग थिंग इन द नाइट स्लोडाउन जो गियर वाली गाड़ी होती है वो तो पांच पे नहीं जाके उसको स्टॉप करते फाइव फोर थ्री टू वन न्यूट्रल करके फिर साइलेंट आएगी हम इतना हाइपर वाली स्थिति में जाके ऐसे सो जाते हैं नॉट लाइक दैट स्लो डाउन और सोने से पहले कम से कम टेन मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट भर के सोइए दिस इज वाई स्पिरिचुअलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज बच्चों के अंदर इतनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है वो सारा दिन पढ़ते हैं बहुत मेहनत करते हैं सोने से पहले फोन लेके बैठ जाते हैं वो देखते जाते हैं देखते जाते हैं कोई क्राइम कोई हॉरर कोई कुछ कुछ और फिर सो जाते हैं फिर वो सारा क्राइम हॉरर वो सबकॉन्शियस में जाता है और आज उनके लिए फियर एंड एंग्जाइटी बढ़ता जा रहा है तो बी वेरी केयरफुल कि के रात को सोने से पहले कम से कम टेन मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट भर के सोए और सुबह के दिन की शुरुआत अपने आप जल्दी नींद खुलेगी नींद सुबह उठने का कॉन्सेप्ट छोड़ दो सिर्फ रात को सोने का कॉन्सेप्ट ठीक करो सुबह उठना अपने आप होगा अपने आप होगा कौन कौन यहाँ पर चार बजे उठा आज और कल सुबह हाँ अभी कल से क्या करना है कल से क्या करना है नहीं नहीं जो पहली बार यहां उठे उन्होंने कल से क्या करना है मंडे से अच्छा किसको अच्छा लगा उठ के बस कल से सेम लेकिन उसके लिए क्या करेंगे यहाँ से हम जाने के बाद सेंटर से कनेक्ट होंगे फिर हम वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी डेली करेंगे फिर ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में नेचुरल आ जाएंगी और फिर वो जो सेवन संस्कार्स हैं इन द फिफ्थ फोल्डर उसको एक्टिवेट करना इमर्ज करना इजी होगा आज जब आप ड्राइव करके वापस जा रहे होंगे एक छोटा सा होमवर्क करना लुक एट योर फैमिली मेंबर्स थिंक अबाउट देम। And just check, they are not my wife, husband, children, parent. That's just a role. They are a soul who has been on a long journey. And they have carried a lot of sanskars, a lot of karma. And shift today from Esseq karte hai, ye hai, to I understand them. I understand their journey. I accept them. And I bless them. उनको दुआ दीजिए वो सेवन संस्कार्स में से एक क्वालिटी सिलेक्ट करिए और उनको भेजिए आप शक्तिशाली आत्मा है यू आर अ पावरफुल सो यू आर अ लवफुल सो जब हम मेडिटेशन और डेली स्पिरिचुअल स्टडी शुरू करते हैं ना सबसे पहली चीज जो फटाफट से चेंज होने लगती है वो थे रिश्ते बिकॉज रिश्ते यहाँ है ही नहीं रिश्ते यहाँ है एक जना अपनी सोच बदले रिश्ते बदल जाते हैं One out of the two, you do not need two to work on a relationship. That is wrong. कि दो लोगों को कुछ चेंज करना पड़ता है रिश्तों को ठीक करने के लिए नहीं दो में से एक को सिर्फ अपनी सोच को बदलना और रिश्ते बदल जाएंगे रिश्ते बदल जाएंगे और आज से एक मंत्र लेकर जाएंगे वापस कोई भी कुछ आपके साथ गलत बोल रहा है गलत व्यवहार कर रहा है रिएक्ट कर रहा है आप सिर्फ अंदर से एक थॉट बोलते जाओ ब्लेसिंग वो बहुत अच्छे वो बहुत अच्छे वो बहुत अच्छे वो बहुत अच्छे बस बोलते जाना बोलते जाना जस्ट सेंड दैट वाइब्रेशन वाइब्रेट यू विल सी देम जस्ट सेटलिंग डाउन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू विल नॉट रिएक्ट आपके ऊपर कोई वेस्ट थॉट नहीं क्रिएट होगी दूसरों की कमजोरियों से अपने आप को बचाना बचाना किस किस को पता है मेरे नज़दीक कौन सा सेंटर है मेडिटेशन सेंटर सबको पता है सब लोग उसी से कनेक्ट होकर ही आए होंगे जो नहीं आए हैं वो जाने से पहले पता करके जाना और यहाँ से जाने के बाद हम फिर से चार पाँच दिन के लिए एक घंटा जाकर मेडिटेशन का कोर्स फिर से करेंगे और उसके बाद तो वो सेंटर इज़ अ डेली प्लेस फॉर अस वहाँ पर क्लास हर रोज़ होती है थ्री सिक्सटी फाइव डेज ऑफ द ईयर फ्रॉम नाइनटीन थर्टी सिक्स तो 2024 सिर्फ लॉकडाउन के टाइम वो बंद हुआ है उसके अलावा कभी भी नहीं चाहे शहर में कोई भी हालात चल रहे हो तो उधर वन वन आवर बी ऑल गो और उसके बाद हम अपने काम पे परिवार के साथ पूरा दिन तेईस घंटे सबके लिए एक घंटा अपने लिए और वो एक घंटा जो अपने लिए निकालते हैं वो हमारे तेईस घंटे को चेंज करता है तो जितने भी आपको यहाँ बाकी दिख रहे थे जो गाइड्स थे वो सब आप ही की तरह आप ही के ऑफिस में काम करते हैं घर को संभालते हैं लेकिन ये एक घंटा वो रोज निकालते हैं वो एक घंटा रोज निकालते हैं जिससे उनके वो वाले सेवन संस्कार बढ़ते जा रहे हैं एक्टिवेट होते जा रहे हैं तो हमें जाने के बाद इसको करना कौन कौन टाइम निकालेगा जाने के बाद एक सबसे बड़ा मिथ जो है ना वी इज अ बिगेस्ट मिथ इट्स नॉट वी डोंट हैव टाइम इट इज़ वी लैक पावर तो हमारे को सब कुछ करने में टाइम ज़्यादा लगता है और जितना जितना शक्ति घट घट रही है और लोगों को लगता रहता है मेरे पास टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है हम में से किसी के पास टाइम नहीं था जब ये पहली बार आए थे हम हम सब सोचते थे हम बहुत बिजी हैं फिर हमने एक घंटा निकाला फिर एक महीने के अंदर वो एक घंटा हमारी जर्नी में फिट हो गया और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम हो गया कि हम अपना एक घंटा निकालते हैं हम और कितने सेवा करने के लिए भी टाइम निकालते हैं आज ये सारे जो आपके पास खड़े हैं ये काम को हम अपना छोड़ के आएँ आपके लिए क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है सो डोंट से आई डोंट हैव टाइम जस्ट से आई एक्सपेरिमेंट आई प्रायरिटाइज सेल्फ केयर सीधा होकर बैठे एक मिनट साइलेंस में इतना नॉर्मल बैठना है कि आपके ऑफिस में किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल आंखें खुली रखना ऑफिस में आंखें बंद नहीं करनी है एंड जस्ट जेंटली ब्रिंग दैट अटेंशन टू द सेंटर ऑफ द फोर हेड विजुअलाइज पॉइंट ऑफ लाइट आई एम अ पावरफुल सोल हमें वो फिफ्थ फोल्डर से वो जो सेवन संस्कार्स हैं उनको अफर्म करके उनको एक्टिवेट करना है आप उस सेवन में से कोई भी चूज कर सकते हैं हर रोज आई एम अ हैप्पी सोल एनीथिंग कुछ भी हो जाए आई एम ऑलवेज हैप्पी आई रेडिएट हैप्पीनेस खुशी मेरा संस्कार है खुशी मेरा स्वभाव है हर बात को एक सेकंड में खत्म कर देना डिलीट बटन दबाना और उनको ब्लेसिंग देना ये मेरे लिए नेचुरल है दूसरे की सफलता को देखकर अच्छा फील होना उनको ब्लेसिंग देना ये मेरे लिए नेचुरल है ये मेरा संस्कार है आई एम हैप्पी सोल आप अपनी कोई भी एक आदत देखना जो पहले चार फोल्डर में है जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं उसको कौन सी आदत से रिप्लेस करना है वो आपको इस फिफ्थ फोल्डर से ढूंढनी है तो खुद ही चूज कीजिए और उस फिफ्थ होल्डर से वो वाली एक थॉट लेकर उसको आज से अपनी अफर्मेशन बना दीजिए कोई हर्ट जल्दी होता है एक्सेप्टेंस नीड करता है लोगों की लोग क्या कहते हैं उसका असर बहुत ज्यादा होता है तो से टू योर सेल्फ आई एम अ लवफुल सोल i love myself i understand people have an opinion i understand them i respect them i respect myself i love myself i am a loveful soul <laughs> वो संस्कार का ग्रूफ जो है चेंज होता लगता है इट्स जस्ट वन थॉट एंड देन ड्यूरिंग द डे ब्रिंग दैट अफोमेशन इन टू एक्शन आज से लेके कल शाम तक चाहे कोई भी सीन आए कोई भी बात आए आई रिस्पॉन्ड विद द संस्कार ऑफ पीस ये मेरी नेचर है